गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल वीडियो। आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो आर यू रेडी फॉर अनदर ब्यूटीफुल अपडेट। मेरा घर आप लोगों के सामने शो होगा इन 3 2 1। टडा, क्या याद है आप लोगों को ये कैसा दिखता है? अभी वैसे रात हो रही है तो मैं चला जाता हूँ। और हाँ, ये मैंने एक न्यू फ्लोर बनाया था। यहाँ पे ये मेरा बेडरूम होगा पूरा। ओह, बेडरूम से याद आया मुझे, एक सरप्राइज है। अरे सॉरी, मेरा सरप्राइज खराब हो रहा है। एंड बेड, हमने बेड बना लिया गाइस। सो अब हम फाइनली सो सकते हैं और रात का टाइम स्पेंड कर सकते हैं सारा। सो मैं अपना बेड लगाऊंगा बिल्कुल इधर। पहले सो जाते हैं, उसके बाद फिर और बाकी की चीज़ें दिखाऊंगा। अभी तक रेन हो रही है, आई थिंक रेन ख़त्म हो गई। ये ओके, अब हम जंप करेंगे। ओके सो जैसा कि आप लोग, ये जगह तो मैंने पहले दिखाई थी आप लोगों को। ये मेरा वो ट्री सा वो है, केबिन टाइप। ये मैंने ऑफलाइन बनाया था, ये एंट्री है मेरी। सो एक क्रीपर आके फटा था मेरे बिल्कुल साथ, और या और एक और क्रीपर वहाँ घूम रहा है। सो दिस इज हाउ व्हाट माय हाउस लुक्स लाइक राइट नाउ। अच्छा लग रहा है। सो आज का हमारा मिशन क्या है? आज का हमारा मिशन है, पहले हमें एक डॉग टेम करना है, ठीक है? उसके बाद हमें फार्म बनाना है, और उसके बाद हमें आयरन ढूंढना। अब आयरन, या बहुत बिजी जाने वाला है आज वाला एपिसोड। अब मैंने इस पे काम नहीं किया। ओहो, मैं भूल गया क्या कर रहा हूँ। मैं जल्दी से ये करके और फिर आता हूँ। ओके, वी आर बैक। सो फार्म हम बनाएंगे यहाँ। ये मेरा रूफ टॉप है। यहाँ पे मैंने मेरे जो पहले रूफ टॉप था, मैंने दिखाया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, उसके ऊपर मैंने खाली डर्ट लगा दी थी, तो वो उस पर शायद घास हो गई है। सो फार्म हम बनाएंगे इस एरिए में। वो है मेरे पास, वो बनानी है। पहले हम फार्म का आसान काम कर लेते हैं, फिर बाकी कामों पे आएंगे, मुश्किल कामों पे, जैसे आयरन ढूंढना और वुल्फ को टेम करना। सो पहले हम वो बना लेते हैं। स्टोन तो दुनिया भर का पड़ा है, एक पड़ा है। मुझे 2 स्टोन चाहिए। नो, या जैसा आप लोग अगर सोच रहे हैं कि मैंने खोखले क्यों छोड़ा हुआ है। उलो, सॉरी, बट वहाँ पे मैं चाहिए ग्लास लगाऊंगा। शीपी, मुझे डबल बेड लगाना है तो मैं इसको मार देता हूँ जल्दी से। ओ या, वैसे मेरे पास एरोस तो है नहीं, तो दिखाने का कोई फायदा नहीं है। मैंने बो बनाई थी। शीपी,
बता मत भाग। मेरी वो काम करती है उसकी कान। आयरन, यस। स्टोन ढूंढते ढूंढते एक केव में चले जाएंगे, वहाँ पे आयरन भी मिल जाएगी तो कोई बड़ी बात नहीं। शीपें मिल रही हैं। Come on, यार। ओह येलो डाई। ओह मैं मतलब येलो फ्लावर, इससे मैं अपना बेड येलो कर सकता हूँ, लेकिन मेरा कलर येलो थोड़ी, मुझे तो ब्लू पसंद है। येलो थोड़ी चाहिए मुझे, कट गया वैसे। और मैं भाग के भी आ गया हूँ, मुझे भी नहीं पता मेरा घर किस साइड है। चलो कोई नहीं, बात की बाद में देखी जाएगी। पहले तो मुझे वुल्फ टेम करना है। फॉक्स, सॉरी सॉरी सॉरी, फॉक्स को तो बेरी से टेम किया जाता है ना, यहाँ कहीं बेरी भी होगी। वो फॉक्स नहीं, फॉक्स का कॉम्प्लिकेटेड होता है बहुत, अभी फॉक्स नहीं टेम कर सकते हम। अगर आप लोग कुछ सोच रहे हैं कि मैं इतना स्लो चल रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं हंगर का मैं। फाइनली हंगर खत्म हुआ, अब हम लोग स्प्रिंट कर सकते हैं। ओ भाई केव, एक्चुअली हम एक काम करते हैं, जब केव मिलेगा तो ही आता हूँ मैं। ओके सो अभी हमें यहाँ पे स्टोन मिला बहुत सारा, केव नहीं मिला सिर्फ स्टोन मिला, तो इसको भी हम जल्दी से माइन कर लेते हैं, अपना खुद का ही केव बन जाएगा। सो या हम इसको माइन करते हैं, फिर मैं आता हूँ। गाइस अभी मैं आयरन ढूंढ रहा था और मुझे भी ये एकदम से विलेज नज़र आई। ये स्प्रूस बायोम विलेज है, बट मैं हमारे वर्ल्ड की पहली विलेज है। ओ भाई ओके, कैरेट, ओए कंपोस्टर, ओए ज़ॉम्बीज। पहले रात गुजार लेते हैं हम। ओ रात का सुलाऊंगा, मुझे कुछ नहीं पता लिटरली। मैं आज तक पहली दफा इस स्प्रूस बायोम विलेज में आ रहा हूँ। ओके हम लोग सो जाते हैं पहले तो। ओके ओनो रिस्पॉन पॉइंट सेट हो गया, चलो कोई बात नहीं। इसमें जो भी गाइस वी कैन टेम अ कैट। डू आई हैव फिश? नहीं, बट मैं ला सकता हूँ। कैट वहीं रुकना प्लीज, कैट डर जाए। फिश, आई नीड फिश, फिश ब्रो, आई नीड यू। सैल्मन, सैल्मन, अरे क्रीपर की तरफ नहीं जा, हट गया ना अभी, पता चल जाएगा। सैल्मन प्लीज ब्रो, वी आर कॉड प्लीज, कॉड
ओए ओह नो, सांस लेना भूल गया। ओके ओके ओके, सांस ले ली उसी तरह ले ली। जब भी भाग जाए ये, ओ यस, एक और एक और। ओ लो, भागो भागो भागो। एक सैल्मन ले सका, हट, मुझे एक और चाहिए भाई। एक सैल्मन से हो ही ना जाएगा। वेल अब तक तो वो चली भी गई होगी, मैंने इंतजार नहीं किया। फिर भी हम लोग, ओह प्लीज 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 प्लीज, लग जाओ उसके, मैं मार रहा हूँ भाई। ओ यस यस, हम लोग फाइनली एक कैट का वेरिएंट टेम कर सकते हैं। अब बस मुझे वो कैट मिल गया जल्दी से छेती नाल। कैट कैट किटी किटी, अरे ऊपर हो कहाँ? आई हैव सैल्मन, पुछी पुछी, मैं नहीं खाऊंगा, मैं कमान। आ यार ये वाली देनी है, वो कहाँ गई? कम ऑन, अरे भाग जाती है, इसको पानी में धकेलना होगा। अरे यार इसको पानी में धकेलना पड़ेगा तो ये फंस जाएगी ना, फिर हम इसको आराम से टे। ओ कम ऑन यार, रैबिट को क्यों मारा? आ गई भाई, इतनी तेज भागती है वो। मेरे पास बोन है, यस। अब भाई एक बोन में कट जाए तो कट जाए। डॉगी भी बड़ी मुश्किल से किया, कट गया। और नहीं है मेरे पास, वो गोल गोल क्यों घूम रही है? टेम टेम या आ जाना, कहाँ गई? प्लीज एक, ओ वो पानी में, वो पानी में, यस आ जा। लाडो लाडो नहीं, लाडो जी हजार, वो भी आ रही। दो कैट्स होंगी बॉयस हमारे पास, वो भाग रही है। एक्चुअली मैं उसको टेम कर सकती क्योंकि वो भी पानी में अब तो। अरे नहीं वो, अरे भाग गई। नहीं नहीं तो तुम मेरे साथ ही रहोगी। वो गंदी कैट सेंटर में आने तो मैं स्ट्रेटजी यूज करूंगा बॉयज। अब मैं उसके पास जाऊंगा, यस। अब तो तू आ गई बेटा। नहीं 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 प्लीज प्लीज, नहीं नहीं नो नो, उसके मैं तो रह पटा लगा। मैं पानी में चला जाऊंगा,
पिप्स है, मैं उसको टेम करे बगैर नहीं जा रहा भैया। कम ऑन, क्लिक हो जा एक दफा प्लीज। यस, अब दोनों आओ भाई, अब मैं तुम्हें नहीं लूज कर सकता। गाइस हमारे पास 2 कैट्स हो गई। यस, अच्छा तुम क्या क्या करती हो भाई? इसका नाम मैं रखूंगा एंजल और इसका नाम मैं रखूंगा, एक मिनट बैठ जाओ, इसका नाम मैं रखूंगा सोचने दो, इसका एंजल और इसका ब्लैकी, क्योंकि वो मेल है, हम दोनों इन दोनों का हम मीटिंग करवाएंगे। आओ 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 मेरे साथ, वो एक और है लेकिन अब मेरे पास फिश नहीं है, एक है। अब भाई इतनी सारी कौन करना है, तो ठीक है जस्ट नहीं है। अच्छा वो फर्नेस मैं इसको ले सकता हूँ, कहाँ गई वो? आ गए, ठीक है लो लो। ओके, और क्या है इस विलेज में? मुझे तो माइनिंग के लिए जाना ही पड़ा, अगर एक चेस्ट मिल गया उसमें पक्का आयरन हो। उस वुल्फ को टेम करना था, हट भाई, गलत बात है ना। एक चिकन कैट, इस चिकन को मारो, देखते हैं मारते हैं। जाओ, वुल्फ तो मारता है भाई। हाँ चेस्ट, इतना क्या पम्पकिन सीड्स काम के हैं, ब्रेड काम की है, पोटैटो का क्या करूंगा, ले लेता हूँ। यो कितनी घटी, ओ ये कौन है, क्या है? ओ भाई, ओ कहाँ भग रहा है? अरे ट्रेड करना है क्या ये? कहाँ भागा जा रहा है ये ट्रेड? हाँ तो ठीक है, कार्टोग्राफर हट। सो जाते हैं, आओ भाई आ जाओ फिश। चलो नहीं मिल रही कोई फिश मुझे, सोना है। दोनों मेरे साथ सो रही हैं, लॉल। उस बंदे को मैंने सोने नहीं दिया उसके घर में। जो स्केलेटन मिल जाए ना, मैं स्टॉक को ले लूँ। चलो भाई मैंने तुझे आजाद कर दिया, अब मेरा पेट बन गया चुपचाप।
पहले ही स्केलेटन में तुम्हें रेयर मिलते हैं। मैं इस घर में नहीं गया ना अभी तक, इस घर में पक्का चेस्ट हो। अरे भाई, ओ भाई, ये ब्लू पैड मैं ये ले रहा हूँ और होंगे यहाँ। और कहीं ब्लू पैड है, पर्पल का क्या है? ओ पम्पकिन, बीट रूट वगैरह वगैरह। ओहो, ओ फार्म वाला घर, इसमें पक्का चेस्ट होगा, इसमें तो चेस्ट होगा, इसमें तो चेस्ट होगा। ठीक है, स्मोकर भाई, चेस्ट तो क्या कर रहा है? हाँ अब तो कहना रहेगा ये, मारो इसको। भाई ब्लू बेड दो मुझे। अब लेदर, मेरे पास अब लेदर के बूट हैं, लुक एट दैट। वैसे इससे कोई फर्क तो पड़ा नहीं है, अब मैं क्या करूं भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ, मुझे अपने घर का रास्ता नहीं पता। वो एक चीज़ दिखाऊं तुम लोगों को, ये देखो। अब इसमें मुझे आग नहीं लगानी आती। वो ये क्या है, बच्चा अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहा है। मैं वेट भी नहीं कर सकता, और ये कौन है, फार्मर। क्या है, 26 पोटैटो के बदले एक एमराल्ड के है। हाँ भाई, तो किधर है पोटैटो? छोटा सा बहुत विलेज, गिनती के दो तीन घर होंगे उसके अंदर, तो वो विलेज उसमें इतने, एक वो घर था जिसके माँ फार्म था, तो उसमें इतनी वो मिले काउस, मैंने ये देखो पूरा लेदर का आर्मर बना लिया उन काउस से। सो अब ये सोच रहे हो कि लीश कहाँ से आई, लीश वो जो वहाँ है ना बंदा, क्या कहते हैं, वॉन्डरिंग ट्रेडर या कुछ भी,
तो उसके पास 3 लामा से 1 लामा को हमारा एक लीश मिल गई। तो यस, आज का तो बड़ा अच्छा गुजरा हमारा टाइम। तो या अब आयरन ढूंढनी थी, पहले हो बनाते हैं और वो जो एक फर्नेस नाम की चीज लाए थे वहाँ से वो लगाते हैं। फर्नेस ये, यस। अब इसमें क्या करूँ, मुझे सच में नहीं पता। क्या कर सकते हैं, खाना, कोल चाहिए। कोल तो था मेरे पास, बिलियात कोल की तो हमारे पास कमी नहीं है। मिलेगा कहाँ कोल, मेरे करीब एक वो था। ओ, हमें केव मिल गया। यस, आई होप ये इतना डीप हो कि हमें डायमंड्स मिल जाए, लेकिन आयरन के साथ, क्योंकि मुझे डायमंड्स के साथ आयरन भी चाहिए होगी, क्योंकि स्टोन पिकैक्स या डायमंड्स को नहीं माइन कर सकते। प्रो ट्यूटोरियल्स 2020। ओके, ऐसे ऐसे करके हम सो हम लोग पहुंच गए हैं उस केव की तरफ। अब काफ़ी अंधेरा हो रहा है। कोल तो नहीं है ना, कोल, ओह मिल गया गाइस, एक कोल ढूंढने के लिए मैं इतनी दूर आया, बता। मैंने कहा था ना स्प्रूस बायो में, अरे मेरी पिकैक्स भी गई, लेकिन आई एम द बेस्ट, मैंने एक नई पिकैक्स बनाई हुई थी। चलो इतना कोल ले जाऊंगा पता चल जाएगा, माइनक्राफ्ट वाले भी बोलेंगे कि कोल क्यों डाल दिया। Guys, I found a way. Okay, यहाँ से जंप करना बहुत डेंजरस सा लग रहा है मुझे। वाटर इस साइड पे है ना, तो कूद के चेक करें लावा में ना गिर जाऊँ बस। नहीं, मैं गया, मैं ओ नो 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 नो, प्लीज प्लीज प्लीज, बच गया। सांस लो, पहले गोल्ड मिल गया। ओके, मैंने आयरन पे कैक्स नहीं बनाई थी तो गोल्ड लाया हो गया। लॉल इजलाल, यू आर द बेस्ट। ओके, सो मुझे ये सारा कोल टॉर्चेस में वेस्ट करना है। आई थिंक 20 बना लेते हैं। मैं अपने साथ बेड भी लाया हूँ, वो कितना जीनियस है। और कोल मिल, आयरन है, गोल्ड है, आयरन चाहिए भाई। खुश हो गया, हमें पता चला आयरन मिल गई। दे ना दे, लोग इसके साथ
रेड स्टोन सब पड़ा हुआ है, लेकिन आयरन नहीं देना। जो चाहिए बंदे को वो नहीं देना, बाकी सब दे दो उसको, ये ले पूरा फील कर। अब वो आके मारेंगे ज़ॉम्बीज मुझे। आयरन क्यों नहीं ली? बहुत शौक था रिवीन में कूदने का। क्या करूँगा मैं? लो एक और रिवीन आ गई भाई। आयरन तो है ही नहीं, आयरन चाहिए मुझे। ओ वाओ एपिक ऑसम। क्रीपर बच गया, कुछ किया ही नहीं। ऑब्सिडियन था उसने, कुछ फोड़ा ही नहीं, तोड़ा ही नहीं। बड़ा ही घटिया कोई क्रीपर, मक्का क्रीपर। इतनी देर हो गई आए हुए, जब से स्टोरेज भी लगाया जा रहा हूँ भाई। कुछ दे यस, मेरी टॉर्चेस भी खत्म। अब यार मुझे ओ आयरन मिल गई। यस एक सबसे पहले भाई, ओ भाई खाना, पहले तो खाना। हेल्थ भाई, थैंक यू। अब सबसे पहले मैं एक पिकैक्स बनाऊंगा ताकि मैं अभी तोड़ दूँ सब कुछ। कोल भी मिल गया, ऑसम। इससे अच्छी चीज हो ही नहीं सकती कोई। अब मुझे यहाँ से बाहर भी निकलना है पता है, और मुझे नहीं पता लिटरली कहाँ जाना है। कोल क्यों ले रहा हूँ जब मुझे आयरन मिल गई थी? और आयरन मिली भाई, मैं लकी लक भाई। इतनी देर बाद आयरन मिली, आज का एटलीस्ट मिशन पूरा हो गया आयरन रूम में। और हाँ, वो मुझे अचीवमेंट्स इसलिए नहीं मिलती क्योंकि मैं माइनक्राफ्ट बीटा खेलता हूँ। अचीवमेंट्स माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन और जावा एडिशन में मिलती है। पॉकेट का भी मुझे ज़्यादा वो नहीं है, आई थिंक सिर्फ जावा ही मिलती है। ओके, सबसे पहले तो टॉर्चेस बनाओ। और कोल का 38 कोल भाई, टॉर्चेस ही टॉर्चेस स्पैम करूँगा। 48 टॉर्चेस बन गए, बाद के लिए कोल बचा लेते हैं। लावा है इसको तो तोड़ो फिर। ओ मैंने आयरन पिक नहीं बनाई। ओ वुड है ना मेरे पास, शुक्र। ओके थैंक यू, वरना मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल। एक रिवीन में गिरे थे और या मैं किसी तरह स्केप तक पहुंच गया, और पीछे मेरा बेस स्टेशन है, वहाँ पे आयरन स्मेल्ट हो रही है। मेरे पास आयरन पिक एंड आयरन सोर्ड है अब, बट मुझे सीरियसली नहीं पता मैं कहाँ जाऊँ अपने यहाँ से। अब तो मैं सीधा डायमंड्स की खोज में निकल पड़ा हूँ। बहुत डेंजरस जगह है भाई ये, डोंट ट्राई दिस एट होम भाई। क्या है ये रेड स्टोन ही? मैं एटलीस्ट अपनी एक सीक्रेट एंट्रेंस बना सकूँगा। मैं रेडस्टोन गोल्ड सब कुछ लेता चलूंगा अब तो भाई। क्या ये, काश डायमंड। ओ नो 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 प्लीज नो प्लीज, नहीं नहीं वो मुझे देख रहे हैं कि मैं क्या करके आया हूँ। मैं बिल्कुल इन द सेंटर ऑफ लावा था।
भाई मेरे पास क्या कुछ नहीं था भाई। अब मैं एक ही काम कर सकता हूँ वहाँ पे, जो मैंने बची कुछ ही आयरन रख के आया था वो ही ला सकता हूँ अब तो। ओके गाइस, फाइनली मैं 9 पीसेस ऑफ आयरन प्लस 24 पीसेस ऑफ कोल प्लस 3 पीसेस ऑफ फ्लिंट लेके आ गया हूँ अपने घर। बाकी चीज़ों का नहीं पूछना। ओ भाई सो जा। ओह क्या किया है मुझे पता है। ओके ओके मेरी बिल्लियों, आई लव यू, आई लव यू। ए कुत्ती मेरे साथ नीचे आओ, वही गिरो, उधर नहीं जाना। ओ भाई मैंने क्या किया है मुझे पता है। एक लेजेंडरी काम करके आ रहा हूँ भाई। सबसे पहले तो एक सेकंड, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम, क्या कर रहा हूँ। मैं इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे, मेरे सारे टूल्स चले गए यार, तो गलत बात है। इतनी चीजें थी मेरे पास, गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आप लोगों को मजा आया होगा, मुझे बहुत मजा आया है। नेक्स्ट वीडियो, goodbye.